in public health interventions, one of the most crucial aspect is communication. To communicate to the society at large, how can we improve the status of health and how can we prevent diseases before the disease has taken shape in the community. दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रणव और आज हम चर्चा करेंगे इन आवर सीरीज करियर इन पब्लिक हेल्थ. वाओ, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट. इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको जानने की है, यू हैव टू डू MPH, यानी कि आपको मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ का 2 साल 4 सेमेस्टर का कोर्स करना होगा. इस कोर्स के दौरान हम आपको ट्रेन करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर टू कम्युनिटी, यानी कि क्लिनिकल हेल्थ के जैसा नहीं कि आप पेशेंट्स के साथ अपने क्लिनिकल चैम्बर में 1-to-1 बात कर रहे हैं. आप एक कम्युनिकेशन डिज़ाइन बनाते हैं कि क्या चीज़ हम एक सोसाइटी का कम्युनिकेट करनी है. अगर एग्जाम्पल दूँ, हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज फेस करना पड़ा था वेस्टर्न यूपी में, जब बहुत सारे समुदाय में एक रेजिस्टेंस थी पोलियो वैक्सीन को लेके. तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म करा और हमने पाया कि सोसाइटी में बहुत तरह की र्यूमर के सोर्सेज हैं और उसे हमें काउंटर करना होगा. सोर्स ऑफ र्यूमर को, सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए हमें कम्युनिटी मेम्बर्स की हेल्प लेनी होगी. तो क्रिकेट के प्लेयर्स को हमने यूज़ किया और मोहम्मद कैफ और तमाम कम्युनिटी मेंबर्स को लेके हमने कैंपेन रन किए और बताया कि पोलियो का वैक्सीन पूरी तरह से बच्चों के लिए सुरक्षित है. बिल्कुल टारगेटेड कम्युनिकेशन डिज़ाइन प्लान किया गया और इस टारगेटेड कम्युनिकेशन डिज़ाइन से वैक्सीनेशन की कवरेज इम्प्रूव हुई. एंड एज यू नो, एज पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी मेंबर इन द कंट्री टू एलिमिनेट पोलियो. तो इस तरह से वो तमाम पॉकेट्स जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन वर्क कर रहा था, वहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन प्लेस करना और ऐसे तमाम चैलेंजेस पे वर्क करना, ये रोल होता है पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट का. तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस डोमेन में एंड आई होप यू आर गोइंग टू डू रियली वंडरफुल वर्क एज पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट. थैंक यू.